सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित करने का जरूरत था, जो इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने लागू किया 2023, यानी कि 1932 का जो बात बोलता था उसने 2023 लागू कर दिया। वादा करके सरकार आई थी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार वादा खिलाफी के खिलाफ उसके जो आ तो नियोजन नीति ले लिया, स्थानीय नीति ले लिया, छात्रों को जो ठकने का प्रयास किया था, 60-40 का नीति जो सरकार ने लाया और बाहरी लोगों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। नियोजन नीति की बात हो, चाहे युवाओं को उनका हक देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, जितने भी झूठे वादे हेमंत सरकार ने किए थे उसमें से एक भी अभी तक पूरा होते हुए देखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डुमरी में छठा उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। हमारे साथ आसू छात्र संघ के कुछ युवक हैं जो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने अनुसंगी इकाइयों को भी जो है अलग अलग टास्क दे दिया गया है ताकि वो जाएं और लोगों से जनसंपर्क करें और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका परिचय क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे उपचुनाव में भूमिका क्या है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित जादव हुआ और मैं आसू छात्र संघ का अभी गिरिडीह जिला का जिलाध्यक्ष हूँ छात्र मोर्चा का। क्या भूमिका मिली है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी हम लोग का जो पार्टी है वो एक रणनीति के तहत काम कर रही है। उसी रणनीति में हम लोग का जो छात्र मोर्चा उसका काम जो हम लोग टास्क दिया गया है, हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया को ही देखते हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये हम लोग का जो छात्र संगठन का जो लड़का लोग है सभी एक ग्रुप बना के हम लोग जाते हैं डोर टू डोर और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सरकार ने जो वादा करके सरकार आई थी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार वादा खिलाफी के खिलाफ उसके जो आ तो नियोजन नीति ले लिया, स्थानीय नीति ले लिया, छात्रों को जो ठकने का प्रयास किया था, 60-40 का नीति जो सरकार ने लाया और बाहरी लोगों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है, यही सब चीज़ को लेकर हम लोग जाते हैं, युवा लोग के साथ जाते हैं और डोर टू डोर महिलाओं के साथ जाते हैं, युवा लोग को खास कर समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह आपका हक और अधिकार को इस सरकार ने छीनने का काम किया। क्या क्या गिनवाते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नज़र में, आपकी पार्टी के नज़र में होना चाहिए था और इन 4 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया? देखिए, सबसे पहले हम लोग गिनाते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित करने का जरूरत था, जो इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने लागू किया 2023, यानी कि 1932 का जो बात बोलता था उसने 2023 लागू कर दिया, यानी कि अभी इसके पास ना स्थानीय नीति है, जो पहले लागू था उसे भी सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है और अभी ओपन फॉर ऑल कर दिया है, जिसमें से 40% ही यहाँ के स्थानीय लोग, जो मतलब यहाँ समझ लीजिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो 40% तक भी नहीं आ पाएंगे, बहुत ही कम मात्रा में आ पाएंगे। ज़्यादातर अभी देखिए कुछ दिन जो बहाली निकला, जो रिजल्ट आया, उसमें से देखिएगा 80% लोग जो है वो बाहर का है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी थी, उसी के कारण आज हम लोगों के पास जा रहे हैं कि ये सरकार ने वादा करके जो आया था उसे वादा खिलाफी को ले के जाके और हम लोग को अब डुमरी उपचुनाव में हम लोग को एक मौका दे सरकार, ताकि उस सरकार को ये एहसास हो कि युवा अब जा चुकी है और उसके बहकावे में नहीं आने वाली है। आप भी आसू से ही हैं कि आप बीजेपी के? भाजपा से हूँ मैं और जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी का प्रतिनिधि उनका पुत्र हूँ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि 60-40 और नियोजन नीति, स्थानीय नीति और भी कई ऐसे चुनावी वायदे जो चुनाव के दौरान किया गया था 19 में, उसको लेकर के जनसंपर्क करें, तो क्या जनता सुन रही है इन सब चीज़ों को? जनता, देखिए, जनता सुन भी रही है, जनता देख भी रही है। इस सरकार ने क्या काम किया, इस तत्कालीन सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया है, वो सब जनता अवगत है। आज नियोजन नीति की बात हो, चाहे युवाओं को उनका हक देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, जितने भी झूठे वादे हेमंत सरकार ने किए थे उसमें से एक भी अभी तक पूरा होते हुए देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिसके मद्देनज़र रखते हुए इस बार डुमरी की जनता जो है वो यशोदा देवी के पक्ष में मतदान करने को तैयार है और पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। ये जो आप लोग चूँकि छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि अभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और उसी बीच कैंपेन भी करना पड़ रहा है, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुश्किल होता है कि मन लग रहा है कि चलो एक नया चीज़ सीख रहे हैं? सीखने की बात नहीं है इसमें, छात्र
छात्र मोर्चा का हमेशा मतलब शक्ति रहता है और इस बार डुमरी चुनाव में जितना मतलब ये जेएमएम के द्वारा वादा किया गया था कि हम नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, सब कुछ ठकने के प्रयास केवल किया है। आज तक नहीं किसी को युवक को नौकरी दिया गया है और नहीं बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। हमारे छात्र बेकार हैं। लग रहा है आपको आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं गिरिडीह से आया हूँ। गिरिडीह से सिर्फ आचू के पक्ष में प्रचार करने? हाँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगी? आचू पार्टी जीतेगी। तो आप आचू से जुड़े हुए हैं तब ना, कुछ सच बोलिए आप लोग। रुझान वही बता रही है कि पब्लिक उसी पक्ष में, कैंपेन्स में भी दिख रही है कि सब आशु को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है 100% डुमरी का उपचुनाव जो है सो हम लोग जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे ये है, आप समझ लीजिए कि ट्रेलर रहेगा 2024 में, पूरा फिल्म आने बाकी है और हम लोग इस सरकार को 2024 में पूरी तरह से हटाने का काम करेंगे। जहाँ तक 1985 और 32 का बात आता है तो हम सरकार से बताना कहना चाहते हैं कि यही सरकार ने कुछ दिन पहले विधानसभा में बोला था, हेमंत सोरेन की सरकार ने, कि 1932 का जो खतियान के आधार पर नहीं होगा नहीं तो कानूनी पेच में फंस जाएगा। ये पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वो आप लोग भी देखे होंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो और उसको कानूनी रूप से सही ढंग से लागू किया जाए, ना कि केवल लॉलीपॉप देने का काम करे। सरकार केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। दरअसल 1932 झारखंड के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया है, लेकिन डुमरी की अगर बातचीत करें तो दोनों तरफ से संघर्ष काफ़ी कड़ा है। एक दूसरे को लगातार ये लोग कभी पटकनी देने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इंतज़ार कीजिए 8 तारीख का, चूँकि उसी दिन जो है मतगणना होगी और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि डुमरी का विधायक कौन होगा। शुक्रिया।